दोस्तों, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था और इस बार भी मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ रहा हूं जो आपके लिए जानना, सुनना, समझना बहुत ज़रूरी है। अमूमन बातचीत में सब मैक्सिमम लोग ये कहते हैं कि रजिस्ट्री ऑफिस में एक ज़मीन की दो तीन जगह बार रजिस्ट्री हो जाती है, जिसके कारण ज़मीन पर दखल कब्जा के लिए विवाद उत्पन्न हो जाता है और लोग जो है सभी पक्ष में से जो दबंग होते हैं वो ज़मीन पर दखल कब्जा कर लेते हैं, अन्य पक्ष दौड़ते रहते हैं सीओ के यहाँ, डीसीआर के यहाँ, सिविल कोर्ट में यहाँ वहाँ वगैरह वगैरह। और उनका कहना सही है, उनका ये भी कहना है कि आखिर रजिस्ट्री ऑफिस दस्तावेज के निबंधन के समय अगर उनको जानकारी मिल भी जाए कि यह ज़मीन पहले बिक चुका है तो उस पर वो अगर दूसरी बार बिक रहा हो तो उस पर वो रोक क्यों नहीं लगाते। इस संबंध में मैंने कई सब रजिस्ट्रार महोदय लोगों से बात किया, उनका कहना था कि माननीय उच्च न्यायालय का ऐसा आदेश है कि हम जो है हमको टाइटल देखने का पावर नहीं है और हमको सिर्फ रेवेन्यू देखना है और हम रजिस्ट्री के दस्तावेज में रोक नहीं लगा सकते और कोई दस्तावेज आएगा तो उसका निबंधन करेंगे। इस संबंध में मैंने उनका ध्यान आकृष्ट कराया। झारखंड में भी ऐसा एक मामला हुआ था, झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा एक आदेश आया था, उस आदेश 26 पेज या 30 पेज का वो आदेश था। मैंने उसके बारे में उनसे थोड़ा डिस्कशन किया। मैंने उनको ये कहा कि अगर सब रजिस्ट्रार महोदय को कुछ भी देखना ही नहीं है, आँख मूंद कर रजिस्ट्री करना है, तो फिर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 1908 में, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 81 में उनको 3 से 7 साल की सज़ा का प्रावधान क्यों है? अगर उनको कुछ भी नहीं देखना है तो सज़ा का प्रावधान क्यों? इसका मतलब है कि उनको देखना है, सब कुछ आँख मूंद के नहीं करना है। वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं देखते हैं, लेकिन सरकारी ज़मीन का रजिस्ट्री तो नहीं करते, फॉरेस्ट भूमि का रजिस्ट्री तो नहीं करते, ये उनके संज्ञान में आने पर वो तो नहीं करते, या उनके यहाँ लिस्ट है तो जब अगर उनको टाइटल नहीं देखना है तो गैर सरकारी भूमि का भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो टाइटल वहाँ भी टाइटल सरकार का है, उनको टाइटल जब देखना ही नहीं है तो वो सरकार का भी कर सकते हैं। एनीवे, ये एक अलग बिंदु है, लेकिन बिंदु ये है कि यहाँ क्या ऐसा झारखंड में दस्तावेज, निबंधित दस्तावेज जब हम प्रोड्यूस करते हैं, निबंधन के दस्तावेज प्रोड्यूस करते हैं तो खतियान की प्रति मांगी जाती है, उसके न रहने पर जमाबंदी प्रति या एलपीसी या शुद्धि पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। तो आखिर झारखंड में कैसे संभव है हुआ जो यहाँ बिहार में संभव नहीं हो पा रहा है? अगर जनहित में भूमि विवाद को कम करने में अगर कोई ऐसा हम चीज़ सामने आती है जिससे बिहार की जनता का हित हो सकता है, हित जुड़ा हुआ उसे हित हो सकता है, तो वह चीज़ को यहाँ भी लागू किया जा सकता है। और वो कैसे लागू हुआ झारखंड में, ये देखने की बात है। झारखंड में लागू हुआ कि वहाँ माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची द्वारा WPC नंबर 6184 और 2014 में एक टिप्पणी की गई, उसमें कहा गया, उसमें धारा 22 का जिक्र किया गया। ये धारा 22 ये है, धारा 22 जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में ही 1991 में जोड़ी गई, 1991 में ही जोड़ी गई, बिहार में 1991 में अधिसूचना प्रकाशित हुई थी धारा 22 के संबंध में। कि अब जानते हैं धारा 22 क्या है। धारा 22 ये कहता है, धारा 22 यह कहता है कि सब रजिस्ट्रार किसी दस्तावेज की रजिस्ट्री रोक सकता है अगर वह पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध हो, यानी लोक नीति के विरुद्ध हो, और सरकार लोक नीति यानी पब्लिक पॉलिसी को डिफाइन करेगी। अब प्रश्न यह उठता है कि लोक नीति क्या है? क्या लोक नीति यह कह सकती है कि ए का जमीन बी किसी सी को बेच दे? जाहिर है नहीं। तो जब ए का जमीन बी किसी सी को नहीं बेच सकता, यानी ए का जमीन ए ही बेच सकता है किसी को, तो फिर बी कैसे बेच कर निकल जाता है? अथवा क्या लोक नीति यह कह सकती है कि ए एक ही जमीन को बार बार किसी को बेचते रहे, बी सी और डी को बेचते रहे? यह भी लोक नीति का हिस्सा नहीं हो सकता है, पब्लिक पॉलिसी नहीं हो सकता है। वैसे भी संविधान के भाग 4 यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत राज्य को लोक कल्याणकारी होना है, तो यह तो पब्लिक पॉलिसी और लोक कल्याण की भावना के बिल्कुल विरुद्ध होगा कि कोई एक आदमी जो है बार बार एक ही जमीन को कई लोगों को बेच दे, या एक ही जमीन बी किसी सी को बेच दे। तो एक पब्लिक पॉलिसी इस प्रकार की बनाई जा सकती है जो 22 ए इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 22 ए के अंतर्गत हमको प्राप्त है, वो 22 ए हमको प्राप्त है, उसके अनुरूप हम जो है पब्लिक पॉलिसी को डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम इस पब्लिक पॉलिसी को डिफाइन कर लेते हैं तो बिहार भी एक बहुत बड़े भूमि विवाद से बच सकता है और बिहार की जनता का हित सुरक्षित हो सकता है और कई बड़े भूमि विवाद जो उत्पन्न होंगे, होने वाले होंगे, उससे बचा जा सकता है। तो झारखंड ने आखिर क्या किया?
इसमें झारखंड हाईकोर्ट, इसमें झारखंड हाईकोर्ट द्वारा जो वहाँ पे सरकार को आदेश दिया गया कि इसको रूल फ्रेम किया जाए, यानी पब्लिक पॉलिसी को डिफाइन किया जाए, रूल फ्रेम किया जाए, उसी संदर्भ में झारखंड हाईकोर्ट का ये आदेश भी आया था, टिप्पणी भी आई थी कि देयर इज अनएनिमिटी ऑफ जुडिशियल ओपिनियन दैट एनीथिंग इंजूरियस और हार्मफुल टू द पब्लिक गुड और टू द पब्लिक इंटरेस्ट वुड बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। बहुत क्लियर है यहाँ पे बहुत क्लियर है कि कोई भी चीज़ जो पब्लिक के विरुद्ध हो, जो पब्लिक की वस्तु या पब्लिक इंटरेस्ट के विरुद्ध हो, के लिए हानिकारक हो, कोई भी ऐसा चीज़ जो पब्लिक गुड या पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक हित के लिए हानिकारक हो, उसको पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध माना जाएगा, वो पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध होगा। यानि आराम से एक चीज़ ऐसा रूल फ्रेम किया जा सकता है जिसमें पब्लिक पॉलिसी यानी लोक नीति को डिफाइन करते हुए इस प्रकार के हरकतों या जो एक ही चीज़, एक ही ज़मीन को बार बार बेचने या एक किसी की ज़मीन को किसी दूसरे द्वारा बेच जाना, इन प्रकार की हरकतों पर लगाम लगाया जा सकता है, इस संबंध में रूल बनाए जा सकते हैं और उस रूल के अनुसार इस प्रकार के रजिस्ट्री, इस प्रकार के दस्तावेज के निबंधन पर सब रजिस्ट्रार द्वारा रोक लगाई जा सकती है, और क्योंकि वो हमारे पब्लिक पॉलिसी का हिस्सा होगा। अब ये कहा गया कि झारखंड ने क्या किया, आखिर झारखंड ने किस प्रकार की अधिसूचना लागू की। झारखंड सरकार ने अधिसूचना इस संबंध में लागू की, धारा 22 के संबंध में। उन्होंने कहा कि जब आप मेरे यहाँ आएंगे, रजिस्ट्री के दस्तावेज का मेरे यहाँ पुटअप करेंगे, तो उसके साथ आपको खतियान की प्रति, अगर वो आपकी पुश्तैनी भूमि है तो आपको खतियान की प्रति लगानी पड़ेगी, अगर खतियान की प्रति नहीं है तो आपको जो है उसके साथ LPC लगाना पड़ेगा या शुद्धि पत्र लगाना पड़ेगा या जमाबंदी पंजी जो रजिस्टर 2 है वो लगाना पड़ेगा। उसके बाद ये कहा गया, लगाना अनिवार्य होगा। उसके बाद ये कहा गया कि आप CO से उसको मांग सकते हैं, आप CO से। फिर कहा गया कि आप उसमें नजरी नक्शा लगाना पड़ेगा, एक बहुत बड़ा बिंदु नहीं था क्योंकि नजरी नक्शा यहाँ भी मांगा जाता है। उसमें यह कहा गया कि अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है, जमाबंदी पंजी की प्रति आपके पास नहीं है, शुद्धि पत्र आपके पास नहीं है, अथवा LPC आपके पास नहीं है, तो इन सारे दस्तावेजों के लिए आपको, आप CO के पास जाएंगे और CO जो है आपको के पास जाएंगे, एक आवेदन देंगे, आवेदन की आपको प्राप्ति रसीद मिलेगी और उस प्राप्ति रसीद के 15 दिन के अंदर CO द्वारा आपको ये जो दस्तावेज आपके द्वारा मांगे जा रहे हैं वो उसकी प्रति आपको उपलब्ध कराई जाएगी, और जो प्रति आपको उपलब्ध कराई जाएगी उसकी एक कॉपी ईमेल से संबंधित सब रजिस्ट्रार को भी CO द्वारा भेज दी जाएगी, ताकि संबंधित सब रजिस्ट्रार के पास ईमेल से जो कॉपी पहले से प्राप्त है उसका, जब आवेदक लेकर के जो प्रति अपनी जाएंगे उसका वो मिलान करेंगे। तो इस प्रकार यह कहा गया कि अगर CO 15, और इसमें यह भी कहा गया कि अगर CO 15 दिन के अंदर वो दस्तावेज आपको नहीं देते हैं, अगर CO 15 दिन के अंदर वो प्रमाण पत्र आपको नहीं देते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि उनकी सहमति है और उसका निबंधन कर दिया जाएगा, और बाद में अगर वो प्रतिबंधित जमीन की श्रेणी में पाया जाता है तो उसके लिए CO जिम्मेदार होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि यह कोई बहुत बड़ा इशू है, और ऐसा बिहार में लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमको जनता का हित भी देखना है। और अगर जैसा कि बिहार सरकार द्वारा लिखित में मीडिया को यह कहा गया है कि बिहार में विधि व्यवस्था, बिहार में 60% विधि व्यवस्था बिगड़ने का मूल कारण भूमि विवाद है, तो अगर 60% विधि व्यवस्था जो बिगड़ रही है भूमि विवाद के कारण, तो उसको रोकना हम सभी का दायित्व है कि अगर कोई रूल और एक्ट ऐसा हो जो हमारे संज्ञान में हो तो हम लोगों को सरकार के समक्ष उसको जानकारी में लाना, संज्ञान में लाना हम लोग का परम कर्तव्य है, दायित्व है, ताकि उससे बिहार की करोड़ों जनता का, क्योंकि उससे बिहार की करोड़ों जनता का हित जुड़ा हुआ है और इस प्रकार कई बड़े भूमि विवाद से बचा जा सकता है। और साथ ही इसमें यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ऐसे भी अगर बिहार में रजिस्ट्री के दस्तावेज के साथ, रजिस्ट्री के दस्तावेज के साथ अद्यतन लगान रसीद को लगाना अनिवार्य कर दिया जाए तो इसमें कहीं कोई कानूनी अड़चन नहीं आएगी। इसलिए कानूनी अड़चन नहीं आएगी कि वैसे भी माननीय उच्च न्यायालय के कई आदेश ऐसे हैं जिनमें कई बार कहा गया है कि लगान रसीद टाइटल का सूचक
नहीं है। तो जब लगान रसीद टाइटल का सूचक है ही नहीं, तो उसको दस्तावेज के साथ संलग्न करने में टाइटल का प्रश्न कहाँ से पैदा होता है? जाहिर है उसमें टाइटल का कहीं कोई प्रश्न नहीं है, उसको आराम से मांगा जा सकता है। और प्रथम दृष्टया सब रजिस्ट्रार अगर इसको देख लेते हैं और वहीं पर चेक एंड बैलेंस हो जाता है, तो एक बिहार की जनता के लिए बहुत ही हितकारी होगा, एक बिहार के लिए एक भूमि सुधार की दिशा में, भूमि विवाद सुधार के निराकरण की दिशा में एक क्रांति से कम नहीं होगा। और आप सभी लोग जो वीडियो को देख रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में इसको अपने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ इस बात को डिस्कस करें, उनको इस बात से को वीडियो को दिखाएं, उनको जानकारी उपलब्ध कराएं, वो अपना चर्चा करेंगे सभी जगह, और इस बात को सरकार के संज्ञान में लाया जा सके, ताकि इस पर धारा 22A से संबंधित जो पब्लिक पॉलिसी है उसको यहाँ भी एक रूल फ्रेम किया जा सके, उसको लागू किया जा सके, ताकि एक बहुत बड़े भूमि विवाद से जो बिहार की जनता पीड़ित है उससे उनको मुक्ति मिल सके, उनका हित सुरक्षित रहे, उनको मानसिक सदमे से बाहर निकाला जा सके। इसी तरह के वीडियो आप देखते रहें और जानकारी बढ़ाते रहें, और मैं ऐसे वीडियो बार बार जनहित में बनाते रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।